के हाथरस में युवती के साथ हुए दर्दनाक हादसे को लेकर देश भर की जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर दमोह में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। हाथरस में वाल्मीकि समाज की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और अमानवीयता दर्शाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और मध्य प्रदेश में भी मोर्चा खुल गया है। दमोह में वारदात के बाद लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं दमोह के सफाई कामगारों ने काम बंद कर दिया। सुबह से काम बंद कर सफाई कर्मचारियों ने शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया और यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बुलगाड़ी ग्राम में जो वाल्मीकि समाज की हमारी बहन के साथ दुराचार किया गया, सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया, संपूर्ण मानव जाति आज शर्मसार है और इसका विरोध हम राष्ट्रव्यापी तौर पर देख भी रहे हैं और विशेष रूप से हम वाल्मीकि समाज के लोग इस जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए आज अपनी बहन की लड़ाई को आगे लेकर आए हैं। क्योंकि वाल्मीकि समाज की जो बेटी है उसके साथ जो अत्याचार हुआ है, उसके परिवार के बिगड़ बताए हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जो हिंदू धर्म में ये अंतिम संस्कार नहीं होता है और यह समस्त वाल्मीकि समाज में यह बहुत दुख प्रकट है। और अगर बेटी है उसके साथ दुराचार हुआ है और जिन लोगों ने दुराचार किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा और सजा के बावजूद उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। महिलाओं के संग मोड़ी के संग जो बलात्कार हुआ है उसके साथ में हम लोग सब साथ में हैं वाल्मीकि समाज के और हम वाल्मीकि समाज को न्याय चाहिए। हीरानगर क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों ने एक दंपत्ति पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामले में विस्तृत आवेदन देकर जांच शुरू कर दी है। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है। यहां बुधवार रात बड़ी संख्या में रहवासी हीरानगर थाने पहुंचे और उनके साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के ही लोगों ने उन्हें लालच देकर उनके साथ ठगी की है। मामले में टीआई ने सभी लोगों की बात सुनकर जाँच शुरू कर दी। अभी क्षेत्र के कुछ नागरिकों के द्वारा अपनी अलग अलग समस्या फरियादी के संबंध में दी गई है। उनका ऐसे शिकायत है कि संबंधित व्यक्ति के द्वारा उनके साथ अलग अलग तरह से धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया और उनके साथ आर्थिक क्षति कारित की गई है। हमने सभी पीड़ितों को यह समझाइश दी है कि वह संबंध में प्रॉपर आवेदन दें, जिसकी जांच करके त्वरित जांच करके और जो भी इसमें लीगल एक्शन लिया जा सकेगा वो लेंगे। कितने लोगों के साथ ठगी हुई है और कितने की ठगी है इसकी जानकारी विस्तृत रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही पता चल सकेगी। खरगोन जिले में खाद्य विभाग को लगातार अमानक वस्तु के विक्रय की शिकायतें मिल रही थी। इसमें खाद्य विभाग ने शहर के कई प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे हैं। कोरोना महामारी के चलते लोगों को मानक स्तर का सामान मिले, इस मंशा को लेकर खाद्य विभाग ने डेयरी उद्योग सहित सेव भंडार पर छापामार कार्रवाई करके सैंपल लिए। शहर के मुख्य प्रतिष्ठान पीपल वाला सेव भंडार के यहाँ केरोसिन भी जब्त हुआ। खाद्य अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेची जा रही वस्तुओं का मानक चेक करने के उद्देश्य से सैंपलिंग की गई। भोपाल लैब से रिपोर्ट में अमानक स्तर पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता जी, उनके ये डकैती की योजना बना, इनसे दो कट्टे 315 बोर के और चार जिंदा राउंड है और एक बका है और एक। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप की शिकार हुई पीड़िता की मौत से पूरे देश में गुस्से और गम का माहौल है। इस जघन्य अपराध का विरोध दर्ज कराने और पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवक युवतियां और बच्चे कैंडल लेकर शामिल हुए। इस मौके पर कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने आक्रोशित होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति के जिला उपाध्यक्ष संजय डुबाने ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार दलित विरोधी है। मनीषा वाल्मीकि को दलित होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। हम चाहते हैं कि बलात्कारियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और कड़ा कानून बने ताकि अपराधियों में भय बना रहे। देश की सरकार दुनिया में ये बताना चाहती कि इस देश में बच्चियां और महिला सुरक्षित हैं। कहां सुरक्षित हैं?
आज जो उस बच्ची के साथ हुआ पिछले 16 दिन से वो इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रही थी। कल पुलिस ने जो एक और अपराध किया कि रात को उनको ले जाके उनके घर वालों से बिगर पूछे उस बच्ची का देह संस्कार कर दिया। इसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि योगी सरकार का कहीं ना कहीं पूरा संरक्षण उन लड़कों को दरिंदों को है जिन्होंने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया। मैं इस पूरे देश में और मध्य प्रदेश और सभी जगह ये मांग सभी जनता की तरफ से मांग करना चाहता हूँ और मोदी जी को ये आवाज़ कराना चाहते हैं हम लोग कि कभी उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चलाया जाए, उन दरिंदों को फांसी दी जाए, पुलिस के ऊपर भी वही धारा लगाई जाए जो उन लड़कों पे दरिंदों पे लगाई गई है, नहीं तो ये आंदोलन और बहुत उग्र होगा। ग्वालियर में एक घर में लॉन्ड्री संचालक दंपत्ति के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर थाना महाराजपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध परिस्थिति में पति पत्नी की मौत होने से फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में पटरी रोड इलाके निवासी जितेंद्र रजक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। वहीं उसकी पत्नी माधुरी रजक का शव पलंग पर पड़ा था। माधुरी के गले पर चोट के निशान थे। प्रारंभिक रूप से पति द्वारा पत्नी की हत्या के बाद फांसी लगाने की आशंका है। थाना महाराजपुरा पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कमरे का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद मृतक के परिजन भी पुलिस को कोई ठोस वजह नहीं बता पाए। पति पत्नी के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। रिश्तेदार भी मौत का कारण समझ नहीं पा रहे हैं। दीदी क्या 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 देखा आप, क्या सोचेंगे? मैंने सो रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या यहाँ पर क्या हुआ है? पता नहीं सर क्या हुआ। क्या नाम सर? जितेंद्र मांदरी। और महिला का क्या? मांदरी। घर का कलेश कुछ कलेश क्या नहीं, आपने जुआ जिया जी जुआ खेलते थे बस। कब बात हुई थी आपकी नौ से? बातें तो होती है, कुछ बताते ही नहीं थे अपने बारे में, कुछ वैसे पर्सनल कुछ वैसी बात नहीं बताते थे। क्या आज क्या करते फिर इसका काम? पुलिस के अनुसार पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मामले की जांच की जा रही है। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में पटरी रोड के कॉलोनी में एक घर में जो पति पत्नी है रजक परिवार है उनकी डेड बॉडी मिली है। पति फांसी पे लटका हुआ है, पत्नी बिस्तर पे लेटी हुई है, उसके गले में जो खरोंच के निशान हैं और इस पर से मर कायम करके महाराजपुरा थाना में आगे जांच की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया नहीं कहा जा सकता, अभी FSL टीम भी जांच कर रही है, पुलिस भी जांच कर रही है, जो स्थिति आएगी फिर बताया जाएगा। खरगोन जिले के मारुगढ़ में बीती रात किसान के घर में घुसकर 15 वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झेरनिया समीप ग्राम मारुगढ़ में बीती रात खेत में रखवाली करते समय किसान के घर में 3 दरिंदों ने घुसकर एक नाबालिग लड़की को घर से उठा लिया। उसके भाई के विरोध करने पर तीनों लोगों ने उस पर हमला कर घायल कर दिया और उसकी छोटी बहन को उठाकर ले गए। घायल युवक ने सूचना देकर अपने भाइयों को बुलाया और वह अपनी बहन की तलाश में निकल गए। रात के 3 बजे बालिका ITI कॉलेज के समीप मिली, जहां से भाइयों ने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी रात का फायदा उठाकर बाइक छोड़कर मक्के के खेत से भाग गए। बच्ची थी, वो अपने भाई के साथ अपने टापरी में रह रही थी, तो रात में उसका कहना है कि 3 लोग आए और उसके भाई पर पहले डंडा मारा, तो भाई वहां से निकल गया और मदद लेने के लिए, और उसके बाद जो उसने बताया कि 3 लोग उसको खेत में ले गए, वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको लेके वापस मेन रोड पे लाके वहाँ पे छोड़ दिया। सूचना मिलने पर SP एवं एडिशनल SP ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और तीनों फरार आरोपियों को पकड़ने की बात कही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पत्थर की खदान के पास एक शव पड़ा होने की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम सुआ खेड़ी में मिले शव पर चोटों के निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। TI कमलेश सोनी के साथ FSL टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई, शव को PM के लिए भेज दिया गया है। आज सुबह जानकारी मिली कि सुआ खेड़ी पर पत्थर की खदान के पास एक बॉडी पड़ी मिली है। सूचना पर थाना टीम FSL टीम वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर आए और सूचना सही पाई गई, बॉडी मिली है। अभी उसकी शिनाख्त नहीं हुई है किसकी बॉडी है। सिर पर और शरीर पर चोट के निशान तो हैं और PM से क्लियर हो जाएगा।
जावर थाने के ग्राम दरखेड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव घर में मिला। महिला के बच्चों ने आरोप लगाया कि मां की हत्या हुई है। वहीं पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंची थी। आष्टा के जावर थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के साथ एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल की जांच पड़ताल की। महिला के बच्चों ने हत्या की आशंका जताई है। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए आष्टा सिविल अस्पताल लाया गया। आष्टा एसडीओपी मोहन सारवान ने बताया कि शव घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर, हाँ, जावर थाने के अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली है, क्या है मामला? सुन, ये थाना जावर के अंतर्गत ग्राम दरखेड़ा जो पड़ता है, वहाँ पर कौशल्या भाई अपने का शव उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। उस संबंध में मर्ग कायम किया गया। मर्ग कायम करने के बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन की नियुक्तियां कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए कलेक्टर द्वारा चयनित समिति की अनुशंसा पर मेरिट आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 3 माह के लिए अस्थायी तौर पर की थी। ये वही कोरोना योद्धा है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की दिन रात सेवा की, किंतु प्रशासन ने इनकी सेवा अवधि को 3 माह ना बढ़ाते हुए सिर्फ 1 माह ही बढ़ाया। वहीं इन कर्मचारियों की मांग है कि विश्व में महामारी को दृष्टिगत रखते हुए इन कोरोना योद्धाओं की सेवाएं निरंतर जारी रखी जाए। आज कलेक्टर ऑफिस में हमारी समस्या को जो हमें आ रही है, हमारा क्या है, 3 महीने का एक्सटेंशन होता था, मगर अभी सरकार ने हमारा 1 मंथ का ही एक्सटेंशन करा है। उसको लेकर हम सभी जितने भी कोविड-19 के अंतर्गत जितने भी लोग हम स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे, वो सभी आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के इन कोरोना योद्धाओं ने रैली निकालकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। एसीएन भारत के लिए धार से प्रवीण उज्जैनकर की रिपोर्ट। ग्वालियर में कोरोना कहर बरपा रहा है। दिनों दिन कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। हालत यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11,000 के आसपास पहुंच गया, लेकिन निजी अस्पतालों की लापरवाही के चलते इस पर रोकथाम नहीं लग पा रही है। ताजा मामला ग्वालियर के RJN अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मृतक की जानकारी नहीं देने पर CMHO ग्वालियर ने नोटिस जारी कर RJN अपोलो हॉस्पिटल से 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। अगर 2 दिन में हॉस्पिटल प्रबंधन नोटिस का जवाब नहीं दे पाता तो हॉस्पिटल को कोविड-19 के मानकों के तहत DCHC की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। हाँ, कल जो देखा जाए तो प्रथम दृष्टया में मुझे लगा था कि इनको नोटिस देना आवश्यक है, क्योंकि वो एक है सज्जन, उनकी ब्रॉड डेड हमारे मुरारा अस्पताल में थे। वो तो पता किया तो मालूम किया कि RJ अपोलो से उनको वहाँ से भेजा गया था, तो ऐसा पहले सोना नहीं चाहिए। इस संबंध में फिर उनको नोटिस दिया है। बाकी अभी जांच चल रही है, जांच में जो भी आएगा फिर उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 30 सितंबर को एक बुजुर्ग की मौत के बाद हॉस्पिटल की एम्बुलेंस द्वारा मृतक के शव मुरार हॉस्पिटल छोड़ दिया गया और किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति हॉस्पिटल संचालक द्वारा नहीं ली गई। नियम के तहत कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज की मृत्यु होने पर निर्धारित मानकों के अनुसार दाह संस्कार के यथोचित कार्रवाई किया जाना होता है। एसीएन भारत के लिए ग्वालियर से संतोष सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की तरह इन दिनों पशुओं में लंपी डिसीज नामक संक्रमण फैल रहा है। इस रोग की चपेट में जिले के गोवंश आ रहे हैं। जानकारों की माने तो ये कोरोना वायरस की तरह ही है। इस वायरस के संपर्क में आने से स्वस्थ पशु भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। मुख्य रूप से इसमें जो लक्षण होते हैं या कैसे फैलता है, पहले अगर हम ये बताएं तो ये कांटेक्ट के कारण मच्छर, मक्खी, टिक्स जो हैं, अगर प्रभावित पशु में हैं और वो फिर उसके पास पास के जो पशु हैं उनमें उतर के चली गई या उनको काटी, तो उनमें भी ये चीज़ें फैल जाती है। इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट से भी होती है। मध्य प्रदेश में उड़ीसा से होते हुए मवेशियों में होने वाली संक्रामक बीमारी तेजी से फैल रही है। मध्य प्रदेश में ये बीमारी पहली बार आई। पशु चिकित्सक बताते हैं कि संक्रमित मवेशियों में तेज बुखार, शरीर में गांठें हो जाती है। पशुओं के शरीर में गोल घाव भी दिखाई देते हैं। घाव से पानी निकलता है। मक्खियों से संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है।
पशुओं में दूध की कमी हो जाती है। रीवा जिले में 2% जानवरों में यह बीमारी देखी जा रही है। इसका प्रसार ना हो इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस वायरस के चलते जानवरों को क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। इन्हें एंटीबायोटिक इंजेक्शन और दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। और फिर उड़ीसा से लगे हुए क्षेत्रों से होते हुए फिर मध्य प्रदेश में भी आई, बॉर्डर में छत्तीसगढ़ में आई और उसके बाद हमारे संभाग का अनूपपुर है, वहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे प्रदेश के काफ़ी जगहों में ये अभी वर्तमान में कई जिलों में फैली हुई है। इसमें जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोकने के लिए ही हम इसका उपचार करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना, बीटा डग घाव हो गया तो बीटा डिंग लोशन है, या उसमें मक्खी ना बैठे ताकि मैगेट्स ना पड़े। और अगर ये दवाइयाँ नहीं उपलब्ध है, कोई चिकित्सक नहीं उपलब्ध हो रहा, कोई सहायक नहीं उपलब्ध हो रहा, तो नीम की पत्ती पानी में उबाल के और उससे भी नहलाया जाए पशु को, तो उससे भी काफ़ी राहत पशुओं को मिल जाएगी।